मैम है हमारी और ये सभी लोग सस्ते पे लोग जो मैनुअल पंचिंग मशीन है वो है ही। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसे आप हाथ से ही ऑपरेट कर रहे हो, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं लग रही। ठीक है सर, आप बताए होता है इससे अपन जो भी अपना मटेरियल, ठीक, जो हम तुम लोगों को हॉपर बना के बताया था, आटा चक्की में भी ऊपर लगा होता है जहाँ से आप गेहूं को फीड करते हो, कहाँ होती है ये डाई कैविटी कहलाती है। क्या कहलाती है? डाई कैविटी। इसके अंदर हमारा जो रॉ मटेरियल हम डालेंगे, फिर सर आपको एक बार करके दिखाएंगे कि पंच कैसे करना है। रॉ मटेरियल यहीं से आता है, यस सर, तो यहाँ से डालने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम बीच में उसको रोक सकें, क्योंकि वो कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा तो अपनी वो पंचिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। तो अपन डायरेक्ट ही डाल रहे हैं, लेकिन प्रोसेस क्या है? एक सिखानी, प्रोसेस क्या होती है कि यहाँ से अपन मटेरियल डालते हैं, यहाँ स्टॉपर लगा होता है, तो एक टैबलेट लायक आ गया, स्टॉपर से बंद कर उसको पंच किया, टैबलेट खराब हो गया, फिर उसको ओपन कर दिया। तो ये ऐसी प्रोसेस होती है अभी, लेकिन अपन यहाँ से फिल करेंगे। ये देखो अभी इसमें खाली जगह, इसको इस पोजीशन में रखते हैं अपन, तब पंचिंग क्यों कहते हैं इसको? इसमें देखो नीचे भी एक डाई है और ये ऊपर है, यस सर, इसमें बीच में मटेरियल भरा जाएगा तो ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? पंच हो जाएगी, जो भी मटेरियल रहेगा वो प्रेस हो जाएगा, ठीक है, पंच हो जाएगा, और जैसे ही इसको हम घुमाएंगे तो टैबलेट ऊपर आएगी और किसके द्वारा ये बाहर आ जाएगी, तो ऐसे करके आपकी टैबलेट बनके क्या हो जाती है? डाई। पहले आपको क्या बनाना है? ग्रैनुल्स। ग्रैनुल्स का सर हम बता देंगे प्रोसीजर। ये गलत प्रोसीजर है, सही प्रोसीजर है, यहाँ से वो किया जाता है। लेकिन अभी उसमें स्टॉपर नहीं है तो अपन इसको यही डाई कैविटी में फिल करते हैं। ये अपन फिल कर दिया, इसको आप जोर से घुमाएंगे। ये आगे टैबलेट, ये देखो टैबलेट, और ये जो डाई कैविटी है ये अभी इस विड्थ पे सेट है, इसलिए इतनी बड़ी टैबलेट चौड़ी है, इसकी अलग अलग साइज छोटी मेस जो है वो आप सेट करके अपन सेट कर सकते हैं, छोटी बड़ी थिकनेस, इसलिए इतनी सेट है, इसलिए इतनी बड़ी टैबलेट आ रही है, अपन उसको जब एडजस्ट कर देंगे तो छोटी टैबलेट सेट करना पड़ता है उसको। साइज मतलब इंजीनियर से मैकेनिक करते हैं तो उसको सेट करते हैं। जब मटेरियल अपने पास ज्यादा हो तब यहाँ से डालो, आप तो कंटिन्यू जाता जाएगा और क्योंकि ऊपर से भी डाई आती है नीचे से भी आएगी, दोनों के बीच में मटेरियल पंच होता है और टैबलेट आपकी बाहर। वो देखो वो जब आप पंच करोगे तो थोड़ी फंसेगी, लेकिन आपको रिवर्स नहीं करना है, उसको पंच करना है फोर्स के साथ। मैम इसको क्या बोलते हैं? इसको ये आपका रॉ मटेरियल है, जो टैबलेट बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं उन सबका मिक्सचर है ये। इनको बनाने से पहले हमने ग्रैनुल्स बनाए थे, ये इस टाइप के ग्रैनुल्स अपन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। yes, ये पाउडर से बड़ा साइज दिख रहा है, आज अपन yes, क्लास में पाउडर्स भी पढ़े थे ना, पाउडर से बड़े साइज के ये ग्रैनुल्स होते हैं, इनका पार्टिकल साइज पाउडर से ऊपर होता है, फिर इनमें अपन ग्लाइडेंट यूज करते हैं और डाइल्यूएंट्स मिक्स करते हैं टैबलेट बनाते में, फिर उसकी पंचिंग करते हैं। यस मैम, ये है गाइस टैबलेट और ये है पंचिंग मशीन और इसके द्वारा ये टैबलेट ऐसी बनी हुई है। सब लोग मैम ये जो टैबलेट है इसमें अपन कलरिंग तो कर सकते ना? इसकी इसमें यदि आप कलरिंग से ऐड करेंगे तो टैबलेट का कलर आ जाएगा, बाकी एक प्रोसेस होती है टैबलेट कोटिंग। अच्छा, ये गाइस पेजल मॉडल देखो तो ये देखो कितना बिंदास कोटिंग मशीन। अच्छा जी, जब आपकी टैबलेट बन जाती है और ड्राई हो जाती है उसके बाद हम इसमें कोटिंग सॉल्यूशन भरते हैं जो इसमें स्प्रे होके आता है और टैबलेट को ड्राई करने का काम करता है। सूख जाए जल्दी। हाँ मैम हीट आती है। ओ गर्म हुए टैबलेट, हाँ कहाँ पर है और ड्राई हो रही है। गाइस आशा करता हूँ मेरा आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी करना कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।